हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ एग करी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने खड़े मसाले लिए, एक बड़ी इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, दो बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया, टमाटर चॉप कर लिया, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची और अंडे को मैंने बॉईल करके छील लिया है। एक कढ़ाई में तेल डालते हैं। अब अंडे को हम हल्का हल्का कट कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अंदर तक जाए, पूरा नहीं कट करना है, जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही करना है। सब में ऐसे कट कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, हल्का सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 2 मिनट के लिए रख देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। एक एक करके अंडे रख देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे सावधानी से। अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसमें खड़े मसाले डाल लेते हैं, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, जावित्री, छोटी इलायची, खड़ी लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, सब डाल देते हैं। उसी तेल में मैं बना रही हूँ जिसमें हमने अंडे को फ्राई किया था। और जीरा डाल देते हैं आधा चम्मच। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हींग। ये हमारे मसाले भून जाए हल्का सा। दो बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसको भूनेंगे। हमें प्याज को गलाना है। थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए और जल्दी भुन जाए। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अदरक लहसुन और मिर्ची का मैंने पेस्ट बना लिया है, अब इसको डालेंगे। प्याज हमारा भुन गया है। 2 मिनट इसको भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया, अब उसको डाल दिया है मैंने। इसको भी ढक देते ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच गरम मसाला, इसको डाल के हमें अच्छे से भूनना है। आपको एग की और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला जले ना और अच्छे से भुन जाए। को ढक देते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया मसाला।
पानी डाल लेंगे अपने अनुसार, आपको गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए। हमने आधा गिलास पानी डाला है। अब इसमें एग डाल देंगे। इसको हल्का सा चला देंगे ताकि सारे मसाले एग के अंदर चला जाए। देखिए हमारा एग करी रेडी हो चुका है। अब धनिया डाल देते हैं। एग करी रेडी हो चुका है। अब सर्व करके मैं दिखाती हूँ आपको। चावल रोटी जिससे खाना है खाइए, एंजॉय कीजिए। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।